हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं ट्रेवल कर रहा हूँ जोधपुर से अहमदाबाद, और मेरी बस रहने वाली है MR ट्रेवल्स की वोल्वो B11R जो चलती है जोधपुर से अहमदाबाद और अहमदाबाद से जोधपुर। तो आज का जो मेरा ट्रिप है वो रहने वाला है MR ट्रेवल्स में। बाकी बात करें लोकेशन की तो फ्रेंड्स, जोधपुर में जो मेरा लोकेशन है वो बासनी मंडी मोड़ करके है। तो ये कुछ लोकेशन है मेरा जोधपुर में, ये जो सर्किल दिख रहा है ये बासनी मंडी मोड़ का सर्किल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गाड़ी आने का टाइम है तकरीबन 10:30 बजे, यहाँ पे गाड़ी आती है। जो मेरा पिकअप पॉइंट है वो बासनी मंडी मोड़ का ही है, 10:30 बजे यहाँ पे गाड़ी आएगी। और अभी करंट में टाइम हुआ कुछ 10:15, यानी कि 15 मिनट के लगभग मेरी बस जो आ जाएगी यहाँ पे। तो अगर आप भी जोधपुर से अहमदाबाद का सोच रहे हो, वो भी वोल्वो बस में, तो ये वाला व्लॉग पूरा देखिए। इसमें आपको सारी डिटेल्स में जानकारी देखने को मिलेगी, जोधपुर से रवाना होने से पहले की जानकारी, उसके बाद में अहमदाबाद पहुँचने तक की पूरी डिटेल्स में जानकारी आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगी। फिलहाल मैं कर लेता हूँ गाड़ी का वेट, बाकी गाड़ी आने के बाद में आपको दिखाएंगे गाड़ी का इंटीरियर कैसा रहता है, गाड़ी का जो लुक है वो कैसा रहता है, वो सारी अपन बाद में चेक करेंगे। बाकी फिलहाल गाड़ी आने का वेट कर लेते हैं। बाकी मैं खड़ा हूँ बासनी मंडी मोड़, बाकी यह कुछ बासनी मंडी मोड़ का लोकेशन है। यहाँ पे सामने एक गुड़िया ट्रेवल्स भी आ रखी है, जैन ट्रेवल सामने खड़ी है बस। तो भाई साहब, बिना टाइम गवाए हमारी गाड़ी आ जाती है बिल्कुल राइट टाइम पे, MR ट्रेवल्स की वोल्वो B11R। ये सामने गाड़ी और इधर आ जाती है जाखड़ ट्रेवल्स, ये भी अहमदाबाद के लिए है। सामने वोल्वो है जो भी अहमदाबाद के लिए बिल्कुल राइट टाइम पे गाड़ी आ जाती है 8:25 पे। सामने गाड़ी आ गई वोल्वो, ब्लैक कलर की गाड़ी है भाई साहब। तो भाई साहब, ये कुछ गाड़ी का फ्रंट का लुक है वोल्वो B11R। ये चलती है फ्रेंड्स जोधपुर से वडोदरा, और फिलहाल मैं इसमें ट्रेवल करूंगा जोधपुर से अहमदाबाद का। तो जोधपुर से जो अहमदाबाद का ट्रेवल है उसके दौरान जो भी एक्टिविटी होती है वो सारी इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। बस कैसी लगी ज़रा मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये कुछ हमारे ड्राइवर साहब का केबिन है यहाँ पे, जो कि मैं जोधपुर से निकलने के बाद में दिखाऊँगा। ये बस की कुछ फैसिलिटी है, इसमें आपको शायद देखने को मिल जाएगा टॉयलेट, गाड़ी में ऑन बोर्ड। और ये बस की कुछ फैसिलिटी है, 2x1 का स्लीपर बर्थ देखने को मिल जाएगा इसमें आपको। और ये कुछ स्लीपर है यहाँ पे देख रहा हूँ, सीट नंबर इधर भी आपको सीट नंबर। और ये कुछ हमारा आज का जो स्लीपर है वो रहने वाला है। तो भाई साहब, सामने आ रखी है रूपचंद्रा, जोधपुर से उदयपुर चलती है। और इधर खड़ी है हमारा ब्लैक घोड़ा जो चलता है जोधपुर से वडोदरा। तो भाई साहब, सबसे पहले हमारे साथ मिलके बोलिए हर हर महादेव। तो आपकी जो जर्नी है वो कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग जोधपुर से अहमदाबाद की, वो भी MR ट्रेवल्स की वोल्वो B11R में, जिसमें आपको देखने को मिल जाता है ऑन बोर्ड वॉशरूम। तो फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं बोर्डिंग पॉइंट से बासनी मंडी मोड़ से, 10:33 हुए यहाँ से, बिल्कुल राइट टाइम पर गाड़ी निकल चुकी है अहमदाबाद की तरफ। और इधर है हमारे ड्राइवर दादा ड्राइव कर रहे हैं, और इधर है हमारे कंडक्टर दादा। और फिलहाल हम लोग चल रहे हैं जोधपुर में झालामंड चौराहे पहुंच रहे हैं, और नेक्स्ट जो पिकअप पॉइंट रहने वाला है वो है झालामंड चौराहा। Thank you.
साहब बस में एक जो फैसिलिटी है वो है वाटर बॉटल की। यहाँ पे सभी पैसेंजर के लिए वाटर बॉटल प्रोवाइड करते हैं बस वाले ऑपरेटर, तो भैया सबको वाटर बॉटल दे रहे हैं। फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके हैं प्रॉपर तरीके से जोधपुर से बाहर, बाकी हम लोग चल रहे हैं NH पे हमारे मंजिल की तरफ, यानी कि अहमदाबाद वडोदरा की तरफ। बाकी केबिन की लाइट हो गई है बंद और गाड़ी की हेडलाइट हो गई है स्टार्ट, ताकि गाड़ी को अच्छे से आगे का व्यू दिखे ड्राइवर साहब को। बाकी निकल चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट यानी कि अहमदाबाद की तरफ। तो भाई साहब फिलहाल हम लोग पहुंचे ओम मन्ना के स्थान के इधर, इधर पाली रोड पे ओम मन्ना जी का स्थान है। फ्रेंड्स हम लोग पहुंचे हैं पाली, और बात करें टाइम की तो टाइम हुआ कुछ 11:30। जोधपुर से निकले थे 10:30 बजे और पाली पहुंच गए 11:30, एक घंटे के डायरेक्शन में। साहब पाले में सवारी पिक कर रहे हैं, लगेज वगैरह रख रहे हैं सवारियों के। अरे जल्दी करा रे। और इधर हमारे ड्राइवर दादा, और हम लोग पहुंच गए पाली। आओ आओ।
तो भाई साहब बस पहुंची हमारी पाली में बाईपास, वहाँ पे खड़ी है जाखड़ ट्रेवल्स, इधर खड़ी है जैन गुड़िया और इधर खड़ी है एमआर ट्रेवल्स वोल्वो B11R यूरो 4 9400 94 ये है वोल्वो। और बाकी उधर जाखड़ ट्रेवल्स खड़ी है, इधर गुड़िया ट्रेवल्स खड़ी है जैन ट्रेवल्स, यहाँ पे सवारी का वेट कर रहे हैं। और इधर आपको एमआर ट्रेवल्स का ऑफिस देखने को मिल जाएगा जैन ट्रेवल्स और जाखड़ ट्रेवल्स के उधर बाजू की तरफ में। और बात करें टाइम की तो टाइम हुआ कुछ 12 बजने वाले, 15 मिनट कम है। और बस में जो है वो रूट भी मेंशन कर रखे हैं, जोधपुर पाली अहमदाबाद बड़ौदा, ये कुछ रूट भी मेंशन कर रखा है बस में। मेरे स्लीपर बर्थ में तो जो मेरा सीट है वो है साइड का अपर का, जिसमें आपको मैं फैसिलिटी दिखा देता हूँ क्या क्या फैसिलिटी है इसमें। आपको देखने को मिल जाएगा सामने अच्छा खासा छोटा मोटा सामान रखने के लिए, उधर देखने को मिल जाएगा वाटर होल्डर एक पैरों की तरफ में ऐसी, एक इधर ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी रीडिंग लाइट, और इधर ये इमरजेंसी स्विच देखने को मिल जाएगा स्टॉप गाड़ी को रुकने के लिए, और इधर आपको देखने को मिल जाएगा दो एसी के इवेंट्स, और पीछे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा अच्छा खासा बैक रेस्ट, और इधर आपको देखने को मिल जाएगा सॉकेट, और इधर देखने को मिल जाएगा मोबाइल होल्डर और इनबिल्ट पिलो है, ब्लैंकेट वगैरह भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी बस में, प्लस वाइट बेडशीट देखने को मिल जाएगी, प्लस आपको देखने को मिल जाता है इसमें कर्टन्स वगैरह ब्राउन कलर में, और शटर अरेंजमेंट जिससे आपका केबिन होता है प्राइवेट। ये कुछ बस में फैसिलिटी है स्लीपर की। तो फ्रेंड्स बस के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आज का जो मेरा ट्रिप है वो रहने वाला है जोधपुर से अहमदाबाद, बाकी जो बस है वो चलती है जोधपुर से वडोदरा, वडोदरा से जोधपुर, आज इसमें मैं ट्रेवल करने वाला हूँ जोधपुर से अहमदाबाद। और बात करें डिस्टेंस की तो फ्रेंड्स जोधपुर से जो अहमदाबाद का डिस्टेंस है वो है 500 किलोमीटर के लगभग, जिसको हमारी बस कवर करेगी 8 से 9 घंटे, यानी मतलब गाड़ी निकली है 10:30 बजे जोधपुर से, जो मॉर्निंग में 7 बजे हम लोग को छोड़ेगी अहमदाबाद, अहमदाबाद छोड़ने का टाइम 7 बजे का है, तो गाड़ी ऑलमोस्ट 8-9 घंटे के लगभग
ले लेती है 500 किलोमीटर को कवर करने के लिए। ताकि बस बहुत ही शानदार बस है, इसमें आपको ऑन बोर्ड वॉशरूम वगैरह देखने को मिल जाएंगे। बाकी फैसिलिटी है जो मैंने आपको बताई दी है बस की, मैं क्या क्या फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। बाकी फ़िलहाल देखते हैं सुबह मॉर्निंग में कितने बजे बस छोड़ती है हम लोग को अहमदाबाद। बाकी अहमदाबाद में जो हमारा ड्रॉपिंग पॉइंट है वो है शाहीबाग। तो फ्रेंड्स गाड़ी रुकी है फाइनली रात को 1 बजे होटल पे डिनर करने के लिए। जोधपुर से निकले हम लोग 10:30 बजे और 1 बजे पहुँचे हैं सिरोही के आसपास। गाड़ी रुकी है होटल पे, होटल कृष्णा करके। यहाँ पे 3 MR की गाड़ियाँ यहाँ रखी है, 2 MR की नॉर्मल गाड़ियाँ हैं, 1 MR की वोल्वो है, वोल्वो B11R होटल पर रुकी है, होटल कृष्णा करके। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, और आज के जो गुड मॉर्निंग की शुरुआत है वो होती है गुजरात के गांधीनगर से। फिलहाल मैं गांधीनगर में चल रहा हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ से जो अहमदाबाद का जो डिस्टेंस है वो है तकरीबन 20 किलोमीटर के लगभग, जो मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट है आज का। और बात करें टाइम की तो फ्रेंड्स टाइम 6 बजने वाले हैं, और अभी यहाँ पे चल रही है बारिश। साहब अभी फिलहाल हम लोग पहुंचे आरटीओ सर्कल। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं पहुंच चुका हूं अहमदाबाद, और अहमदाबाद में जो लोकेशन है वो है शाहीबाग नमस्ते सर्किल, और इधर MR ट्रेवल्स का ऑफिस है, यहाँ पे बस लगती है ये। अब बस जाएगी वडोदरा के लिए, और ऑलमोस्ट टाइम की बात करें तो टाइम हुआ कुछ 6:30,
बाकी बस आ गई है चाय बाग। नमस्ते सरगिल। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक, क्योंकि ऐसी मज़ेदार बस जर्नी आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है। बाकी मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट बस जर्नी के साथ में और एक शानदार रूट के साथ में। तब तक के लिए बाय। अभी फ़िलहाल ये गाड़ी जाएगी लास्ट वडोदरा तक।